मोटोरोला यूरोपियन मार्केट में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया जिसका नाम है मोटो G22 स्मार्टफोन और यह जल्द ही इंडिया में आएगा ऐसा बताया जा रहा है। इसके स्पेसिफिकेशन की बात कर लें तो इसमें 4 GB का रैम 64 GB का स्टोरेज होगा जिससे कि आप 1 TB तक बढ़ा सकते हैं। इस फोन में 6.5 इंची का IPS LCD डिस्प्ले मिलने वाला है और साथ ही 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है। वहीं इस फोन में 5000 mAh का बैटरी होगा, 15W का फास्ट चार्जर होगा और इसमें USB Type-C का जैक होगा जिससे कि आप फोन को चार्ज कीजिएगा। वहीं दोस्तों इस फोन के हम प्रोसेसर के बात कर लें तो यहाँ पर MediaTek का ही G37 का प्रोसेसर दिया गया है जो कि एक एवरेज प्रोसेसर है। इस फोन के रियर में आपको 4 कैमरा देखने को मिलेगा जिसमें कि मेन 50 MP का, अल्ट्रा वाइड 8 MP का और 2 लेंस 2-2 MP का होने वाला है। 16 MP का सेल्फी कैमरा आएगा ऐसा बताया जा रहा है कि यह जो फोन है 4G कनेक्टिविटी के साथ आने वाला है। इसमें अदर फीचर की बात करें तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, 3.5 mm का जैक देखने को मिल जाएगा और यह एंड्रॉयड 12 के साथ आएगा। इसमें 3 कलर वेरिएंट आपको देखने को मिल सकता है और इसका जो एक्सपेक्ट प्राइस किया जा रहा है इंडिया में वह है 14,000 रुपये। यह 14,000 रुपये के नीचे मोटोरोला का G22 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि यह मोटोरोला का G22 स्मार्टफोन इंडिया में कब लॉन्च होता है और साथ ही आप हमें यह कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।